देखिए पिक्चर तो देखने गया था मैं, पर मुझे नहीं पता था वो पिक्चर नहीं एक डिब्बा बना के छोड़ दी गई है। दूसरी बात, जो हनुमान जी के जो डायलॉग जिस पिक्चर के अंदर जिस कदर वो दिखाए गए हैं, जिस कदर की उनकी वाणी को दिखाया गया है, वो वाणी बजरंग बली की तो नहीं हो सकती। वो जो वाणी है वो बजरंग दल के हनुमान जी की हो सकती है, बजरंग दल वालों की हो सकती है। दूसरी बात, इतनी बड़ी पिक्चर 140 करोड़ की आबादी वाले देश में जिसमें 80 करोड़ हिंदू रहता है, उस इतनी बड़ी पिक्चर बना दी गई और पिक्चर को पास कैसे होने दिया सेंसर बोर्ड ने, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू धर्म की ठेकेदार बनती है, जो हिंदुओं की सर्वश्रेष्ठ पार्टी कहलाई जाती है, तो इतनी बड़ी ढकोसले जो करती है भारतीय जनता पार्टी, क्या इन्होंने पिक्चर कैसे पास होने दी? सवाल का विषय यह है, क्या अब माफी मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे इस चीज के लिए? क्या माफी मांगने के लिए सेंसर बोर्ड कब माफी मांगेगा, या इस चीज का कब होगा ये वो दिन, कब आएगा ये दिन, बताइए आप हमें। नहीं नहीं, पिक्चर बनी, पिक्चर बनने के बाद आप डायरेक्ट तो पास नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट तो उसको रिलीज नहीं कर सकते, सेंसर बोर्ड की एक प्रकरण है, सेंसर बोर्ड से पास होके वो पिक्चर जाएगी, तो सर्टिफिकेट कैसे दिया गया? मेरा सीधा सीधा आरोप ये है। नहीं, आदि पुरुष आपने देखा तो उसमें विवादित क्या ऐसा सीन लगा? देखिए विवाद, पहली बात, जो भगवान परशुराम भगवान श्री राम जो है, प्रभु श्री राम जो है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, है ना? जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनकी जो मर्यादा उस पिक्चर के अंदर दिखाई गई वो है ही नहीं उनकी मर्यादा। माता जानकी की जो परिभाषा है उस पिक्चर के अंदर, क्या माता जानकी की परिभाषा है, क्या बताइए आप मुझे? जो हनुमान जी है, हनुमान जी के ये बोलते हैं कि तेल तेरे बाप का और तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, ये क्या है? ये डब्बा नहीं है तो क्या है? क्या मेघनाथ जो था, मेघनाथ क्या ये बोलता है कि कहां से आए, अपने बुआ के बगीचे में घूमने आए? आप बताने की कोशिश करिए ना कि आपने बनाया क्या है। उधर मनोज शुक्ला जी जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने रामायण से प्रेरित होके, उसके देख के, रामायण को देख के हमने आदि पुरुष बनाए, हमने रामायण नहीं बनाई। अरे आप अपना पीछा छोड़ रहे हो, आपने मट्टी पलीत कर दी भगवानों की, क्या है? भगवानों का अपमान कराने के लिए हिंदू रह गया है? कहां है इस टाइम बजरंग दल के लोग, कहां है आरएसएस के लोग, कहां है विश्व हिंदू परिषद के लोग, कहां है भारतीय जनता पार्टी के लोग? इस टाइम पे दिख कौन रहा है, कौन दिख रहा है रोडों पे, कहां है सड़कों पे, क्यों कुछ नहीं हो रहा, कहां है कर्णी सेना जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है? क्या भगवानों के आप आके एक रंग के ऊपर बवाल मचा सकते हो? आप भगवा रंग के ऊपर बवाल मचा सकते हो, आप पठान पिक्चर के गाने के ऊपर एक बवाल मचा सकते हो, पर हाँ जब सरासर भगवान का अपमान हो रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप हाथ में हाथ डाल के हताश होके बैठ सकते हो। अच्छा, क्या आपने रामानंद सागर वाली आपने रामायण देखी? अरे बचपन उसमें गुजरा है भाई, बचपन उसमें गुजरा है। आप सोचिए कि एक वहाँ पे जो असली जो रामायण का असली प्योरिटी है वो दिखाई गई है। मैं मानता हूँ 3 घंटे के अंदर आप एक पूरी पिक्चर को, एक पूरे संवाद को, पूरी रामायण को नहीं दिखा सकते, रामायण बहुत बड़ा पार्ट है। आप मनोज कह रहे हैं कि हमने एक वनवास के बाद से और युद्ध तक का एक पार्ट उठा के हमने पिक्चर बनाई, तो वो जो आपने जो पिक्चर बनाई है उसके अंदर आपने संवाद क्या डाला है? इतना प्रत्यापी महाज्ञानी आपका रावण, सबसे बड़ा विद्वान ब्राह्मण इंसान, क्या अपने हाथ में मीट मांस लेके और उसका जो पुष्पक विमान जो दिखाया गया, एक आप कहिएगा आप उसको चमगादड़, एक चमगादड़ क्या पुष्पक विमान था? क्या एक आपका जो ब्राह्मण जो है, क्या उसके हाथ में आप मीट और मांस देख सकते हैं? आप बताइए उसके अंदर ऐसा है क्या? अगर आपने पिक्चर देखी है जनाब, आप एक बार जाके देखिएगा, आपका खुद खून जो है वो खोल जाएगा उस पिक्चर को देख के, कि आप ऐसे ऐसे डायलॉग, ऐसे ऐसे टिप्पणी देखिए, जय श्री राम का गाना देने से, जय श्री राम का गाना देने से, या फिर आपका ऐसे गाने देने से, आप उसको ये नहीं कह सकते आपने भगवान को सर्वोच्च दिखा दिया, आपने तो भगवान की बेइज्जती कराई है उसके अंदर। और उसके बाद भली मीडिया के अंदर, नेशनल मीडिया के अंदर आप ये बोल रहे हो कि भगवान हनुमान जो थे वो भगवान नहीं थे, वो एक भक्त थे। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन नहीं मानता उनको भगवान? क्या आप भगवान नहीं मानते? क्या आप भगवान नहीं मानते हनुमान जी को? नहीं नहीं, आप मानते हैं ना? ऐसे ही 80 करोड़ जो हिंदू हैं और सनातनी लोग जो हैं वो भगवान हनुमान को हनुमान मानते हैं, और खुद रामायण के अंदर लिखा गया है कि कलयुग तक में हनुमान भगवान का वास रहेगा। तो आप सोचिए कि आप भगवानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और उधर आप TRP पाने के लिए, पिक्चर को हिट कराने के लिए आप एक फॉर्मूला लिया है कि भगवान की सीट खाली छोड़ दी जाएगी, हनुमान भगवान की और सीट खाली छोड़ दी जाएगी तो पिक्चर हिट हो जाएगी। अब भगवान का श्राप पड़ रहा है ना आपके ऊपर, आपके पिक्चर जो है, पिक्चर फ्लॉप जा रही है सर, फ्लॉप जा रही है,
कौन सी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जा रही है आप बताइए। 300 करोड़ स्टार्टिंग में कमाए थे, जब विवाद स्टार्ट हुआ उसके बाद से आप रिपोर्ट उठा के देखिएगा पिक्चर जो है वो डिब्बे में जा रही है। लेकिन शुक्ला साहब तो ये कह रहे हैं कि जब ये डायलॉग्स लिखते थे तो जिस कमरे में बैठ के लिखते थे वो जूता चप्पल तक बाहर उतार देते थे। मतलब ऐसे डायलॉग लिखते थे कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की, क्या हनुमान जी ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, बजरंग दल वाले जरूर बोल सकते हैं। और उसके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही ना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसके हाथ में सेंसर बोर्ड है, क्या पता उनको कमीशन गई हो, इस वजह से आप गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। देखिए क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करिए, जब आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, चाहे आप 80 घाट जैसी पिक्चरें देख लीजिए, वहां पे भगवानों का अपमान आप सीधा सीधा करते हैं, ऐसी तमाम ऐसी पिक्चरें हैं जिसके अंदर आप भगवान का अपमान करते हैं और बार बार सनातनियों का अपमान करते हैं। पर हाँ, कुछ चंद जो संगठन है, चाहे वो आपका विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आपका बजरंग दल हो, चाहे आपका RSS हो, राजनीति करने के लिए, दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए आप राजनीति करने के लिए सामने आ जाते हो, पर हाँ जब आपके भगवान का, जब आपके स्वामी का अपमान हो रहा होगा तो आप सामने नहीं आते। जी, लेकिन कह रहे हैं कि नए तरीके से इसको दिखाने की कोशिश की गई है, तो क्या आप इसको कैसे देख पाते हैं? और दूसरा इसमें यह है कि अगर नए तरीके से अगर देखा जाए इसको, तो क्या आपको लगता है कि इसके अंदर संस्कृति कहीं? देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पहले माफी मांगनी चाहिए मनोज शुक्ला को, माफ़ी मांगनी चाहिए एक एक मेकर्स को और एक एक उस पिक्चर के जो जितने भी अदाकारा लोग हैं, अदाकारी लोग हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री राम के चमड़े के कपड़े पहनते थे, क्या हनुमान जी चमड़े के कपड़े पहनते थे? पीड़ा है, दर्द है एक, कि भगवानों को इस कदर उस पिक्चर के अंदर दिखाया गया, संवाद इस कदर का है कि उससे लगता ही नहीं है कि ये पिक्चर है, ये भगवानों के ऊपर पिक्चर बनाई गई, ये सिर्फ और सिर्फ खाली व्यापार करने के लिए पिक्चर बनाई गई है। लेकिन वो कह रहे हैं चेंजेस कर देंगे, अब क्या फायदा? अब तो आपने अपमान कर दिया ना, अब क्या फायदा चेंजेस करने से? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जितने भी उन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं, जो संवाद लिखे हैं, उस संवाद माफी माफी मांगनी चाहिए, सुनने का कुछ बचा नहीं है अब इसके अंदर, कह रहे हैं सुनने का कोई कुछ बचा ही नहीं है, माफी मांगनी चाहिए, आके गिरफ्तार करो ऐसे लोगों को, साफ सीधी मांग है, कुछ नहीं चलेगा। देखिए राजनीतिक उठक पटक चलती रहेंगी पर भगवानों का अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान, सिंपल सी बात। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो भी संवाद उन्होंने लिखे हैं उसके तर्क में वो सैकड़ों बातें बता सकते हैं कि क्यों लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, कैसे प्रेरित हुआ, सब कुछ चीजें, लेकिन ये सब बताने के बाद नहीं, क्या सोने की लंका आने के बाद आप लोगों की पीड़ा, क्या सोने की लंका जो है वो कोयले की लंका है, उसमें सोना कहाँ है? सोने की लंका कोयले की लंका है क्या? मेघनाथ के शरीर पे जो टैटू दिखाए गए हैं, क्या वो जो टैटू जो है वो आज का मेघनाथ है? बताइए आप, जो डायलॉग जो डिलीवरी है वो कहाँ की है? वो कोई सभ्य समाज की या संस्कृत समाज की तो लगती नहीं मुझे, सनातनी समाज की तो लगती नहीं। एक सड़क छाप मवाली पिक्चर बना के आप कह रहे हो, आज भी अपनी बात पर अडग हो तो शर्म से सिर नीचे होता है, और शर्म से मुझे कहने पे मैं मजबूर हो रहा हूँ कि अब कहाँ सोए हुए हैं? जग जाओ BJP वालों, जग जाओ, जग जाओ RSS वालों, जग जाओ आपका विश्व हिंदू परिषद वालों, जग जाओ आप बजरंग दल वालों, अब कहाँ हो आप? भगवा रंग के ऊपर आप सड़कों पर उतर आए, पर आज जब भगवानों का अपमान हो रहा है तो आपका खून क्यों नहीं खोल रहा? बताने की कोशिश करिए। अच्छा,